अरे भैया कुछ सुना? सुना तो सही भैया कि नदी चाहे गंगा जी ही क्यों ना हो, पर कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह बहा सकती है? माँ तो स्वयं ममता की गंगा होती है। लगता है महारानी कोई विशिष्ट माँ है। और क्या, माँ के ऐसे लक्षण होते हैं क्या? महाराज उनसे कुछ पूछते क्यों नहीं? अरे भैया महल की कोई खबर? क्या बताएं भैया, महारानी ने अपने साथी पुत्र को भी गंगा में बहा दिया। अगर यही हाल रहा तो महाराज के हाथों से वंश की रेखाएं ही जाती रहेंगी। मुझे बालक समझकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी सालू कुमार। मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी सेना लेके लौट जाओ, किंतु तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कुमार को अब तक आ जाना चाहिए महामंत्री। उन्हें देखने के लिए सवार भेजे जाएं और हमारा रथ भी तैयार किया जाए। जो आज्ञा महा। जब भी कोई बर्तन देखूं मेरी मम्मी मुझसे बोले ढोले 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 ढोले। भैया जब लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ लोग यही भूल जाएंगे कि हम काम क्या करते थे। बस यही याद रहेगा, झाड़ू बर्तन कटका। ऐसे क्यों बैठे हो, बाहर जाओ घूमो फिरो। कैसे जाऊं बाहर, पुलिस वायरस दोनों का खतरा। मतलब तुम्हें हमारे करवा चौथ पर भरोसा नहीं? आइए आइए आइए, अंशी जीरो माइल खेड़ी बाका मधुबनी। आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, भाई साहब आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे साला आज एक भी सवारी नहीं बैठ रहा यार, लग रहा अपना रूप दिखाना पड़ेगा। अबे हीरो सुनियो सुनियो, इधर चल बैठ जा अंदर। अबे बाबू जी ले ले, सुनियो सुनियो इधर चल, तू भी बैठ जा अंदर। अबे चिकने इधर आ जा, इधर आ जा। कहाँ जा रहा है तू? अपने ससुराल जा रहा हूँ। चल बैठ जा अंदर चल। नहीं नहीं, मैं इस खटारे में नहीं बैठूंगा। ए, क्या बोला बे, तेरा ये सूट बूट है ना सारे निकाल के ऐसे ही भेज दूंगा मैं तेरे ससुराल। चल बैठ जा अंदर। खंडित कर दिया है। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है गोपी ने। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। स्वाति जी साहब, तुम्हारी मैडम सो गई है। डांस करें, गाना चलाऊं? जिसने भी पार्टी है करनी, आ जाओ मेरे घर के भीतर। दारू पीकर खाने को है मुर्गा भीतर। लोटा गुड़गांव अब तू मेरी दूसरी सेटिंग देखेगी। छेदी लाल डायलॉग है, रात में तो कुत्ते जगा करते हैं, हम तो दिन में जगते हैं। तो रेडी? यस सर। 3, 2, 1 एक्शन। रात में तो रात रात। छेदी लाल मेरा काहे का शुक्रिया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। शुक्रिया मानो अपने मम्मी डैडी का, जो पूरी रात तकिए के पास से हिले तक नहीं, रो रो कर उनकी बुरी हाल हो गई है। आज तो प्रपोज करके रहूंगा। पापा, इस लाल फूल के साथ हमारा फूल कहाँ जा रहा है? भाई तू इतना काला क्यों है? मैं काला हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? मेरे बाप का जाता ना तो तू काला ही नहीं होता। अरे भाई क्या कर रहे हो? लॉकडाउन। बाबू क्या मास्क लगा के क्यों नहीं घूम रही? फिर आपको पता कैसे चलेगा? क्या कि मैं मुंह फुला के घूम रही हूँ। घर की सफाई करेगा तू? पूरा साफ कर दूंगा। ए? चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का। 25 रुपए कर दो ना, मेरी दारू की बाटली भी आ जाएगी। आउच, बिना हाथ जल गया, टूथपेस्ट लाना।
अरे भैया मेरे टूथपेस्ट में नमक है, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि एक बहन ने अपने भाई के जले पर नमक छिड़क दिया। भगवान है कहाँ रे तू? अबे जानवर देख के चल। अरे हल्के में ले रहा है तू मुझे? हल्के में लूं तो क्या तुझे भारी में लूं? कौन है तू? कोरोना का मरीज हूँ मैं। यार रात को तेरे घर से बहुत हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का क्या राज है? कोई खुशहाली नहीं है, बीबी जूता फेंक के मारती है, मुझे लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। सुनो जी एक बात पूछो, दवा और दारू में क्या अंतर है? अबे यार दारू जो होती है ना वो गर्लफ्रेंड की तरह होती है, जिसकी एक्सपायरी डेट कभी ना कभी आई जाती है, और दारू वो साड़ी बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती जाती है उतना सर चढ़ के बोलती है। सुनो जी आज मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। अबे यार मैं रात को यार मूली के पराठे खा के नहीं सोऊंगा। क्यों? आपको यही खा के सोना पड़ेगा। ठीक है साढ़े सो तो जाऊंगा, लेकिन जब रात को धमाके होंगे और मशीन गन चलेगी ना तो मुझे मत बोलियो फिर। जानू तुम बाप बनने वाली हो? क्या बात कर रही हो? हाँ, पहले मुझे लगा कि ज्यादा चाट पापड़ी खाने की वजह से मेरा पेट निकल रहा है, लेकिन आज डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अरे यकीन कैसे नहीं हो रहा, ये देखो असली है, असली तकिया नहीं डाल रखा। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रोशन बाबू? एक चुटकी सिंदूर का कीमत? हाँ चलो दिखाते हैं, चलो। बर्तन मांजते मांजते हाथ खिया गया है। तुमने सिवाय आंसुओं के मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया। मैं नहीं मानती कि इसकी वजह ये है कि मैंने अपने दीकरे के लिए लड़की चुनी। किसी का दिल जीतने की कोशिश करनी पड़ती है, पर तुम क्या कर रही हो? तुम रोती हो, तमाशे खड़े करती हो, मने आ मंजूर न थी, न ऐसी बीवी न ऐसी बहू। अरे भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू भाई। भाई तू जिए 25,000 साल, मैं इतने साल तक कितना बाप कमा के खिलाएगा? सुनो जी। हाँ जी बोलो क्या बात है? घर में जो फटी पुरानी चीजें हैं मैं उसे बाहर फेंक दूँ? एक काम कर साड़ी, मुझे भी बाहर फेंक दे उठा के। क्यों? साड़ी मेरी भी फटी पड़ी है तो जैसे चुड़ैल से शादी करने के बाद। सुनो जी। हाँ जी बोलो क्या बात है? मेरी जीभ पे ना बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। साड़ी छाले तो पड़ेंगे जब कभी उसको आराम नहीं करने देगी, जब देखो जब कैंची की तरह कचर कचर चलाती रही। अरे ससुरऊ जब पढ़े लिखे है ये ना तो गोबर और गुण है भाई, तू और का कर बो। हाँ भैया ये दो चिप्स देना। पैसे बोलो। पैसे बोलो ना। पैसे PAISE पैसे। चाय ले लो चाय। लाओ भैया एक चाय देना। लीजिए मैम। ये कैसी चाय है, क्या मिला है तूने? अरे मैडम हमारी भैंसिया दूध नहीं दे रही थी ना, तो ये मोहल्ले की गधैया का दूध से बनी है। भाई साहब मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या? अरे कमाल करते हैं यार, आप पेशाब करेंगे हम देखेंगे, आप नाच का कर मुद्दे का कमाल का शहर है यार। भाई साहब मैं सूटकेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो ऐसे अगर तिवारी के घर के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे सारे खानदान का हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। हिम्मत तो हमरा पूरा परिवार देते, हाथ दर्द तोड़ के दिखाओ। हाँ बेबी। बेबी तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए। चल हट पगली, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, आंटी से कहना वो मुझे भूल जाए। मुर्गी के अंडा, मुर्गी के अंडा, सिपाही के डंटा, सिपाही के डंटा, पिल्ली के पोंछ, पिल्ली के पोंछ, दादाजी के मोंछ, दादाजी के मोंछ, बोला बाबुआ का, बोला बाबू का। हेलो कौन? नीचे देख, नीचे नीचे नीचे। हाँ बोलो कौन है? अरे मैं शूज बोल रहा हूँ। शूज? शूज बोल रहे हो? हाँ बोलो। अबे कब पहनेगा हमें, बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया। नो।
वो क्या है ना कि फोन जहाँ लगाया जाता है ना, तो उनको भी बोलने का मौका दीजिए कि कौन है वो। वेवाण जी, जी 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 जय श्री कृष्णा। अरे आप क्यों मेरे घर में? मैं नहीं हो सकती, या फिर आपको मुझसे बात नहीं करनी है? सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होता है? अबे यार, ऑटोमेटिकली का भी मतलब तुझे मालूम नहीं है? जब ऑटो में कोई गंजी लड़की बैठ के जा रही हो तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली। भैया एक मिनट यार। भैया अब मारो। गंगा पुत्र राजकुमार की जय हो। अरे देवव्रत के आने का समाचार तुम्हें कैसे मिला? राजकुमार के आने का समाचार तो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है महाराज। तुम व्यापारियों को बोलना बहुत अच्छा आता है, क्या लाए हो? बस एक घोड़ा। बस एक घोड़ा? परंतु यह घोड़ा लाखों घोड़ों पे भारी है महाराज। तुम्हारा कथन असत्य हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और यदि कथन सत्य निकला तो तुम्हें 50 गांव का राजा और वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा। पिताश्री आपकी आज्ञा हो तो मैं उस घोड़े की जाँच करूँ। आज्ञा है पुत्र। Hi, V-Mate friends. Hi guys, मैं हूँ भुवन। And I'm आशीष। I'm सपना। तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहा है? 100 करोड़। V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़। तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-Mate. V-Mate दे रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका। बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च V-Mate, वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। तो देर किस बात की, वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए। चले हमें भी वीडियो बनाना है। V-M-A-T-E. V-Mate.